मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, इट इज ऑल्सो ए मेन चैप्टर ऑफ बायो इन क्लास 10, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज नो मेंशन इन द लाइफ प्रोसेस एंड टू सर्वाइव। Reproduction is more not necessary for the life process to survive, but all the livings, plants and animals, human beings, all are continuously, they are generated by the reproduction on this earth. Reproduction के माध्यम से जितने भी plants हैं, animals हैं, human beings हैं, वो अपना जनरेशन का कंटिन्यूटी बना रखते हैं। जो नेचुरल एज के बाद जो भी हमारा डिफरेंट टाइप के स्पेसिज है, वो प्लांट का हो, एनिमल्स का हो, सभी इसी रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपना स्पेसिज का कंटिन्यूटी बना रखते हैं, जिसे लाखों लाख वर्ष बीतने के बावजूद भी सारी जो डिफरेंट टाइप के स्पेसीज है, कई प्रकार के प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, जिनमें कई प्रकार का वेरिएशंस पाया जाता है, और ये कंटिन्यूटी, ये विभिन्नताएं पूरी हमारे पृथ्वी पर जीवों के बीच में बनी हुई है। वे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एनिमल्स प्लांट पर डिपेंडेंट है, प्लांट के एनिमल पर कई रूपों में डिपेंडेंट है, तो उनके लिए वेरिएशन बहुत ही जरूरी है, जिसे कि अच्छी तरह से कोई भी जीव अपना सारा लाइफ प्रोसेस को पूरा कर सके और सरवाइव कर सके। तो रिप्रोडक्शन, इट इज द मेन प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। इस तरह से इस पृथ्वी पर कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए सभी जितने भी लिविंग्स हैं, अपना जीवन को बनाए रखने के लिए ये रिप्रोड्यूस होते हैं, न्यू इंडिविजुअल का जन्म देते हैं। तो हम रिप्रोडक्शन के माध्यम से, हमारे यहाँ कई प्रकार के लिविंग्स हैं, हम लोगों ने पिछले ये चैप्टर में स्टडी किया है कि यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, और ये हर तरह से अपना अलग अलग मोड्स के द्वारा, अपने अपने प्रकार के द्वारा वे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो जो हमारे यहाँ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वे एडवांस तरीके से उनके बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन जितने भी ह्यूमन बींग्स या जो भी प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सभी फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है प्लांट का, उसमें अगर अगर अलग अलग डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इस तरह से वो अपना रिप्रोडक्शन को पूरा करते हैं प्लांट सीड के द्वारा। जो भी एडवांस प्लांट्स हैं, वो सीड फॉर्म करते हैं, और सीड जो है न्यू इंडिविजुअल का काम करता है, पुराने जो भी ओल्ड प्लांट जो है वो डेथ करते हैं, तो उनका अपने जीवन काल में ही, लाइफ स्पेन में ही कई नए नए प्लांट का जन्म दे देते हैं। उसी प्रकार से हमारे लिविंग भी है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उसमें भी अलग अलग ये मेल फीमेल ये दोनों टाइप के होते हैं, और इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करके मेल फीमेल मैच्योर होने के बाद वो अपने चाइल्ड का जन्म देते हैं, चाइल्ड जन्म होता है, इस तरह से पूरा अपना वो लाइफ स्पेन पूरा करता है, फिर अपने जीवन काल में ही नए इंडिविजुअल का जन्म देता है। इस तरह से कंटिन्यूटी रिप्रोडक्शन के माध्यम से बनी हुई रहती है, हर स्पेसीज हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो स्पेसीज है, वो अलग अलग अपने आप पॉपुलेशन जो क्रिएशन कर रहे हैं, अपने अलग अलग हैबिटेट के अनुसार अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, उनमें इस प्रकार का वेरिएशन पाया जाता है, उनके अपने इन्वायरमेंट, बॉडी के इन्वायरमेंट का एडजस्टमेंट अपने बॉडी के अनुसार कर लेते हैं,
तो इस तरह से वो चार भाई होते हैं। बहुत सारे वाटर एनिमल्स हैं, वाटर प्लांट हैं, हाइड्रोफाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, लैंड पर रहने वाले भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो लैंड पर भी अपना जीवन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से अपना जीवन को सर्वाइव करते हैं और उस पार्टिकुलर हैबिटेट में एक जो अपना इंटरब्रीड करके एक साथ अपने स्पेसी पार्टिकुलर स्पेसीज रहते हैं और इंटरब्रीड करके नए इंडिविजुअल का जन्म देते हैं। तो हैबिटेट भी मायने रखता है, इन्वायरमेंट भी मायने रखता है। इस तरह से सारे प्लांट्स में वेरिएशन भी पाया जाता है, उनका बॉडी का बनावट भी अलग अलग है। जितने भी प्लांट वाटर में पाए जाते हैं, एम्बर वाटर में पाए जाते हैं, जो लैंड पर पाए जाते हैं, उनके बॉडी का बनावट भी उस तरह से नेचुरली उस तरह का एडवांसमेंट उनका बॉडी में परिवर्तन हो जाता है और वो सर्वाइव करते हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो वेरिएशंस हैं, जो कई प्रकार के जो उनके बॉडी में परिवर्तन हो रहे हैं, जीव में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जब सेल के स्टडी हम लोग कर रहे थे, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए वगैरह पाया जाता है। डीएनए के पहले हमारे क्रोमोसोम्स पर ये जीन पाए जाते हैं। जीन का निर्माण हमारे डीएनए आरएनए वगैरह से होता है, जो बिल्कुल उस पैरेंटल कैरेक्टर को, जिस जीव का पार्टिकुलर स्पेसीज है उसका जो कैरेक्टर है, वो पार्टिकुलर कैरेक्टर जो है जब वो रिप्रोड्यूस होता है, नए इंडिविजुअल बनता है, तो ये कैरेक्टर ट्रांसफर होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से उस नए इंडिविजुअल में चला आता है और उसी तरह का अपने पेरेंट के अनुसार ही उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर एनवायरमेंट के साथ बन जाता है। तो ये अपने जेनेटिक में ये चीजें हैं, हेरिडिटी से हम कहते हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर को ले जाकर इंडिविजुअल में पहुंचाता है, तो हम इसी हेरिडिटी कहते हैं। प्लांट का अपना हेरिडिटी है, प्लांट में भी कई प्रकार के वेरिएशन है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। तो इस तरह से ये अलग अलग प्लांट अपना अलग अलग पेरेंट की तरह इंडिविजुअल की तरह इंडिविजुअल भी बन जाते हैं, तो ये हेरिडिटी इसमें काम करता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो माइनोरिटी ऑर्गेनिज्म है, वे बिल्कुल अपना रिप्रोडक्शन जो है सिंपल तरीके से करते हैं। कई अलग अलग उनके मोड्स हैं रिप्रोडक्शन करने का। उनका बॉडी में कुछ सिंगल सेल या फ्यू सेल्स होते हैं और अलग अलग तरीके से उनका प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, उनका न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है और पूरा नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। तो उसको हम लोग, जिसमें ये बिल्कुल टू कॉपी अपने पेरेंट की तरह ही होते हैं, उसमें किसी प्रकार का इस तरह का डीएनए में कोई परिवर्तन खास तरीके से नहीं होता है, उनमें जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, ये म्यूटेशन कभी कभी इन्वायरमेंटल चेंजिंग के कारण से उसमें कोई म्यूटेशन पाया जाता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन उस जीव में आ जाता है। लेकिन सिंपल तरीके से जितने भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जिसमें मेल फीमेल कोई गैमेट की जरूरत नहीं होती है, एक सिंगल अपना पैरेंटल उसका बड़ी मैच्योर होने के बाद दो या अधिक कई संख्या में वो बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद पूरा वो नए इंडिविजुअल का जन्म ले लेता है। तो उसमें किसी अपोजिट सेक्स की या डिफरेंट सेक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका बड़ी कई भागों में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से नए इंडिविजुअल जन्म ले लेते हैं। उनमें जिस प्रकार से हमारे जीवन में लाइफ स्पेन है, नेचुरल डेथ है, ओल्डनेस के कारण से हम लोग डेथ करते हैं, तो हम नेचुरल डेथ उसको बोलते हैं। तो ऐसी जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनका कोई खास नेचुरल डेथ नहीं होता, वो जैसे ही मैच्योर होते हैं, उनका बॉडी मैच्योर होता है, उनका बॉडी ही कई भागों में डिवाइड कर जाता है और नए इंडिविजुअल का जन्म ले लेता है। इसलिए हम लोग अमीबा को लीजिए, अमीबा को बोलते हैं इमोर्टल। व्हाई इज अमीबा कॉल्ड इमोर्टल, जूनियर क्लास में हम लोग ने स्टडी किया है कि अमीबा को इमोर्टल क्यों कहते हैं, वो अमरत्व कैसे प्राप्त कर लिया,
तो उसका नेचुरल डेथ नहीं होता, जैसे ही यंग होता है, मैच्योर होता है, वो दो भागों में उसका बड़ी बढ़ जाता है, फिर चाइल्ड बन जाता है, पुनः उसका जो है मैच्योरेशन प्राप्त करता है, ये प्रक्रिया उसमें चलती रहती है। लेकिन उनका भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है, संख्या का कंट्रोलिंग हो जाता है, दे आर इंगल नीचे दूसरे में इंगल्प कर लेते हैं, इस तरह से उनकी जो संख्या है, नंबर है, कंट्रोल कर लिया जाए। तो हम लोग देखेंगे कि ये मोड जो है रिप्रोडक्शन का है, मुख्य रूप से सेक्सुअल मोड्स है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जिसमें किसी प्रकार की मेल या फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको हम लोग एसेक्सुअल कहते हैं। सेक्सुअल में मेल और फीमेल अलग अलग ये होते हैं, ये गैमेट पैदा भी करते हैं अलग अलग, और इस तरह से उनमें भी गैमेट जो है फ्यूज करते हैं, इस तरह से वो नीट इंडिविजुअल का जन्म होता है। तो ये भाग जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और जो नॉन एडवांस हैं, जो माइन्यूट हैं, छोटे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो इस तरह से हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाउ मेनी डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानने के बाद देखते हैं कि कितने मोड्स इसमें पाए जाते हैं। हमारे साइंटिस्टों ने, बायो साइंस के साइंटिस्टों ने देखा कि कई अलग अलग जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं या सिंपल प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन अलग अलग ढंग से देखा गया है। हैबिटेट भी अलग अलग है, कोई वाटर में रहने वाले हैं, कोई लैंड पर रहने वाले हैं, तो इस तरह से वो रिप्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि मोड्स में फ्यूजन, फ्यूजन भी दो प्रकार का हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, उनका पैरेंटल बॉडी जो है खंड खंड में बढ़ जाना, टूट जाना। तो इस तरह से वो जीव जो है अपना बॉडी जैसे ही मैच्योर करते हैं, अपने आप उनकी बॉडी जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन भी दो प्रकार के, बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन। जब एक से दो ही बॉडी उनके दो पार्ट में बढ़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है अमीबा। अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अमीबा यूकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। हमने कल अगले दिन स्टडी किया था, या लोअर क्लास में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है सेल के बारे में, तो उसमें देखा है कि मुख्य रूप से दो प्रकार के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमारा अमीबा, बोथ आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस ये है कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट उसको बोलते हैं, और अमीबा यूकैरियोट उसको बोलते हैं। अर्थात अमीबा जो एक सेल का उसका बड़ी है, सिंगल सेल का है, उसमें मैच्योर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसके जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल वो राउंडेड मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए रहते हैं, एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, उसका जेनेटिक मटेरियल पूरे उसके सेलुलर पार्ट में पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो हमारी अमीबा जो है बिल्कुल इसके अंतर्गत बहुत सारे ये इसके मोड जो है न्यूट्रिशन का, ये मोड्स जिस प्रकार के हमारे बॉडी में मोड्स पाया जाता है, उसी प्रकार से अमीबा में भी पाया जाता है। ये भी डिफरेंट टाइप के ये फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर इंगल्प करता है। माउथ तो नहीं होता, सीटोकोडिया होती है, जिसको हम लोग फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। कंसंट्रेशन अपना बॉडी का इरेगुलर ढंग से बढ़ाता रहता है, धीरे धीरे मूवमेंट करता है। उसी सीटोकोडिया का यूज वो छोटे छोटे जो अपने माइन्यूट दूसरी अमीबा या छोटे ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करने में, पकड़ने में उसको हेल्प लेता है, फिर उसके सेलुलर बॉडी के अंदर वो प्रवेश करता है, और इस तरह से अपना न्यूट्रिशन को जो डिफरेंट प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन है, इंजेशन, तो इस तरह से ये जो भी हमारे न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, वो अमीबा अपने बॉडी के अंदर
पूरा करता है जैसे हम लोग पूरा करते हैं, इसलिए इसके न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अमीबा को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह का हम आज एक भाष है, जिस प्रकार से न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं और डाइजेशन के जितने भी प्रोसेस है हमारे बॉडी में पूरा होता है, वो अमीबा के बॉडी में पूरा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक होता है। और ये पीरियोडिक बिल्कुल ऑर्गेनिज्म है। ये छोटी छोटी हमें मेन जो बातें हैं हमें याद रखना है, हमें जानना है। तो अमीबा का बाइनरी फीचर, इनका बॉडी कोई डिफरेंट आकार का नहीं होता, आकार का नहीं होता, ये बिल्कुल न्यूक्लियस है। ये अमीबा जो है धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगता है, अपना बॉडी का कंसंट्रेशन अलग ढंग से बनाने लगता है। इस तरह से अमीबा जो है वो अपने बॉडी को अलग अलग डिफरेंट पार्ट में ये एक से दो बन जाते हैं अमीबा। एक मैच्योर इस तरह से यूनाइटेड बॉडी होने लगती है मैच्योर होने के बाद अमीबा का, तो इस तरह से अमीबा एक से दो बन जाते हैं। फिर ये भी इस तरह से मैच्योर होने लगते हैं, मैच्योर होने के बाद पुनः उनका बॉडी का कंसंट्रेशन बढ़ता है और पुनः वो भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। इसके बाद आता है मल्टीपल फ्यूजन जो प्लाज्मोडियम का होता है। इसकी बॉडी जो है प्लाज्मोडियम का कई छोटे छोटे पार्टों में ये बढ़ जाता है। एक मैच्योर प्लाज्मोडियम से बहुत सारा पार्ट बन जाता है, इसके अनेक बन जाते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो स्पाइरोगाइरा में ये रिबन शेप इनका बॉडी होता है, रिबन शेप इनका बॉडी होता है, और इस तरह से इनका बॉडी जो है इनका बॉडी बिल्कुल ये बॉडी जो है इनका फ्रेगमेंट यहां टुकड़े टुकड़े में यहां पर ऐसे बढ़ जाता है। ये प्लाज्मोडियम का स्पाइरोगाइरा का स्पाइरोगाइरा, तो इस तरह से रिबन शेप बॉडी फिलामेंट बॉडी इसको कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग ने स्टडी किया कि जितने भी हमारे नॉन एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें किसी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। सिंगल पैरेंट वाले होते हैं, ये मेल या फीमेल जिस तरह हमारा लाइफ हो ऐसा हुए नहीं होते हैं, एक सिंगल पैरेंट ही है, और सिंगल पैरेंट का बॉडी जो है कई भागों में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से स्पाइरोगाइरा का फिलामेंटस बॉडी है, प्लानेरिया ये भी किस प्रकार का रीजनरेशन, इसका बॉडी तो टूटता है, इसका बॉडी तो कई भागों में टूटता है, और टूटने के बाद ये अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, फिर इसका बीच का पोर्शन, फिर ये का पोर्शन, फिर से रीजनरेशन करके फिर वो मैच्योर इस तरह का मैच्योर अपना बॉडी बना लेता है। तो हम इस तरह की जो मेथड है, इस तरह का जो मेथड है कि इसको हम रीजनरेशन क्यों कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। हमें ये बात को समझना होगा कि हम फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो इस तरह से ये फिलामेंटस इसका जो बॉडी है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और नई इंडिविजुअल बन जाता है। लेकिन इसमें फ्रेगमेंट ये रीजनरेशन में क्या देख रहे हैं, इनका बॉडी जो है 1, 2, 3 कई रूपों में बढ़ता है। ये रूप भी बीच वाला पोर्शन, फ्रंट का पोर्शन, बैक पोर्शन, पूरा फिर से अपना बॉडी का शेप जैसा पैरेंट का वैसा बना लेता है। इसलिए हम इसको कहते हैं रीजनरेशन, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो इस प्रकार से ये देखें कि प्लेनेरिया में हाइड्रा जो है, हाइड्रा बिल्कुल इसका जो बॉडी है हाइड्रा का, हाइड्रा का जो बॉडी है हम देख रहे हैं कि हाइड्रा के अंदर इनका बॉडी सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, इसमें एक बर्ड जैसा निकलता है और ये बर्ड बाद में ये फिर वो सेपरेट हो जाता है और ये बर्ड जो है नया इंडिविजुअल का जन्म देता है। तो हम इसको हम लोग बॉडी कहते हैं जो हाइड्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रा का जो
जो बड़ी के माध्यम से एक पैरेंट बड़ी जो है हाइड्रा का, बिल्कुल उसमें एक ब्रांच स्ट्रक्चर इसमें बड जैसा निकलता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होकर के थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो पैरेंट बड़ी से सेपरेट अलग हो जाता है और नया इंडिविजुअल बन जाता है। इसलिए हम एसेक्सुअल का जो ये डिफरेंट मोड्स है बड़ी, इसके द्वारा हाइड्रा जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, राइजोबियम, इसमें भी कई प्रकार के राइजोबियम के अंतर्गत प्लांट है और इसमें स्पोर बनते हैं। इस तरह के स्पोर जो है अलग अलग भी वो फ्री होकर के नए स्पोर जो है नए इंडिविजुअल का जन्म देते हैं। तो इस स्पोर के द्वारा इनका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसको लिए हम स्पोर फॉर्मेशन राइजोबियम को इसका अंतर्गत रखते हैं। ये लास्ट जो है फेस्टिटी प्रोपगेशन, जो ब्रायोफाइटा एक विशेष प्रकार का प्लांट है जिसके लीफ की जो मार्किंग है, ये प्लांट का जो लीफ का मार्किंग है, लीफ यहीं पर छोटे छोटे बर्ड्स हो जाते हैं, बर्ड्स उग जाते हैं इसके लीफ के किनारे पर, जो मार्जिन भाग में यहाँ पर, फिर वो जब लीफ फॉल करता है जमीन पर गिरता है तो छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं ये बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल का जन्म देते हैं। इसको हम लोग ब्रायो फाइटा को एग्जाम्पल लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे यहाँ भी बहुत सारा जो हमारे कल्चर फील्ड के हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो देखते हैं कि अपने स्टेम को, जैसे सुगर केन है तो सुगर केन जो छोटे छोटे हम लोग उस आई पर दे करके उसको टुकड़े कर देते हैं, हमारे फार्मर्स कर देते हैं, फिर वो अपने फील्ड में खेतों में अच्छी ये ग्रोइंग करने के बाद उसे मैन्योर वगैरह डाल करके उसके अंदर मिट्टी के अंदर ढक देते हैं तो फिर से वो नया इंडिविजुअल का जन्म लेता है। तो हम देख रहे हैं कि पूरा जो उसका बड़ी है, स्टेम है, एक नए प्लांट का जन्म दे रहा है, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। हमारा जो पोटैटो है तो कई प्रकार के ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड में अपने ग्रोथ करने के, अपने एग्रीकल्चर से अधिक अपना ग्रेन्स पैदा करने के लिए या प्रोडक्शन को पैदा करने के लिए ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे लिए आज हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए साइंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अधिक से अधिक अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से। तो हम लोगों ने ये डिफरेंट टाइप के जो मोड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम लोग फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें भी किसी प्रकार का सेक्स की जरूरत नहीं होती है। जो एडवांस प्लांट भी होते हैं, हम देखते हैं कि कुछ जो है प्लांट का ब्रांचेज को अलग से सेपरेट कर लिया जाता है, आर्टिफिशियल मेथड से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। और इस तरह से अधिक हम अपने जिस प्रकार की क्वालिटी का पैरेंट है, जिस पैरेंट उसी तरह का क्वालिटी जो हमारे लिए एक अच्छा क्वालिटी देने वाला है या फ्रूट देने वाला है या और भी वेजिटेबल देने वाला है या हम कमर्शियल इकोनॉमिक व्यू से जो भी प्लांट लगाते हैं और वो अच्छी किस्म का है, उसका वेराइटी अच्छा है, तो हम उसी वेराइटी का नए प्लांट लगा करके अधिक से अधिक अपना प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन लंबा समय लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर किसी प्लांट को हम लगाना चाहते हैं, फ्रूट का प्लांट हो, वेजिटेबल का हो, ग्रेन वाले हो, तो हम सीड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है और सीड फील्ड में डालकर हम प्रोडक्शन अपना करते हैं तो उसके लिए लंबा समय लगता है, लेकिन इसमें शॉर्ट समय में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से कम समय में हम अपना प्रोडक्शन बना लेते हैं। तो हमारे फार्मर्स के लिए वेरी गुड, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उनके जितने भी प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा ये हम लोग अपना उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। तो ये इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना एक क्वालिटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स ओके, थैंक यू।